बार बार उबली चाय पीने से शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इससे पेट से जुड़ी दिक्कतें होने का खतरा रहता है। खासकर गर्मियों के दौरान अगर आप ऐसी चाय पीते हैं तो पेट में दर्द, कब्ज, एसिडिटी और पाचन से जुड़ी दूसरी दिक्कतें हो सकती है। इमली के शरबत का सेवन करने से बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन रहता है। ये शरीर को डिटेक्ट कर गंदगी बाहर निकालने का काम करता है। इसका सेवन आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ साथ गर्मी में डिहाइड्रेशन की समस्या से छुटकारा दिलाता है। यदि आपको स्किन से जुड़ी कोई दिक्कत है तो इसके लिए आप सरसों के तेल में कपूर मिलाकर प्रभावित हिस्से पर लगाएं, आपको फर्क महसूस होने लगेगा। रोजाना सुबह भीगे हुए 4 बादाम, 100 ग्राम मूंगफली, 2 केले और गुड़ सभी को दूध में शेक बनाकर नाश्ते में लें। इससे किसी भी प्रोटीन पाउडर के डिब्बे की जरूरत नहीं पड़ेगी। डार्क सर्कल्स और आंखों के नीचे सूजन रहती है तो फिटकरी से मसाज कर सकते हैं। फिटकरी के पाउडर में गुलाब जल भी मिला सकते हैं। गले की खराश से छुटकारा पाने के लिए आप गुनगुने पानी में सेंधा नमक मिलाकर पी सकते हैं। इससे गले की खराश से जल्द राहत मिलेगी। खीर और रबड़ी बनाकर उसको बाउल में रखकर ऊपर से फूला हुआ गोंद कतीरा फैला दें। फ्रीज में रखकर खुद खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। खाने वाला तारीफ करते नहीं थकेगा और शरीर को एनर्जी भी मिलेगी। पाचन की समस्या से राहत के लिए आप अजवाइन, हींग और काले नमक के 3 ग्राम मिक्सचर को लें। इससे पाचन तंत्र को मजबूती देने में मदद मिलती है। इससे पेट दर्द में भी आराम मिलता है। चेहरे पर पिंपल्स हैं तो नींबू के रस में चुटकी भर हल्दी लें और मिला लें। फिर इसे पिंपल्स पर लगाएं और थोड़ी देर बाद चेहरा साफ पानी से धो लें। यदि आपका बुखार नहीं जा रहा है तो हींग को पानी में मिक्स करके माथे पर लेप लगाने से बुखार में फायदा होता है। रिफाइंड तेल के बजाय केवल तिल, मूंगफली, सरसों और नारियल का प्रयोग करें। रिफाइंड में बहुत केमिकल होते हैं जो शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। जो ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान है, इसे राहत पाने के लिए हींग, काले नमक और अजवाइन के 4 ग्राम मिक्सचर को गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। ध्यान रहे, हाई ब्लड प्रेशर में इसका सेवन ध्यान से करें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें। जिन लोगों को हड्डियों या फिर दांतों से जुड़ी कोई समस्या है तो वो चाय ना पिएं। एक्सपर्ट की माने तो ज्यादा कड़क चाय से एनीमिया की समस्या हो सकती है। केवल स्टील के कुकर का ही प्रयोग करें, एल्युमिनियम में मिले हुए लेड से होने वाले नुकसानों से बचेंगे। इमली का सेवन शरीर के पीएच लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है, रिंकल्स और फाइन लाइन से छुटकारा दिलाता है। मक्खन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोजाना लगाने से काले होंठ भी गुलाबी होने लगते हैं। मुंह की बदबू से परेशान है तो दालचीनी का टुकड़ा मुंह में रखें, मुंह की बदबू तुरंत दूर हो जाती है। एक छोटी प्याज का रस और एक बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर उसके दाने सुबह खाली पेट खा लें। सांस की बीमारी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। कई लोगों को मुंह से बदबू आने की समस्या होती है, ऐसा किसी बीमारी या ठीक से मुंह की सफाई ना करने के कारण होता है। ऐसे लोग दूसरे से बात करने में झिझकते हैं, इसलिए मुंह की बदबू से छुटकारा पाना बेहद जरूरी होता है। मुंह की बदबू खत्म करने के लिए दालचीनी का टुकड़ा अपने मुंह में रखें, मुंह की बदबू तुरंत दूर हो जाएगी। दही शहद का फेस पैक भी टैनिंग हटाने में मदद करता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो पिंपल्स, टैनिंग, झाइयों को कम करने में मदद करते हैं। अगर आप काले होंठ की समस्या से परेशान हो तो बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट की जगह घर में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करें। जी हाँ, मक्खन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोजाना लगाने से काले होंठ गुलाबी होने लगते हैं। इसके अलावा नाभि में तेल लगाने से भी काले होंठ की समस्या से छुटकारा पा सकती हैं। साथ ही इसे लगाने से फटे होंठों की समस्या भी ठीक होती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो एक हफ्ते तक रोज मूंगफली खाएं। ऐसा करने से मूंगफली के पौष्टिक तत्व आपके पेट की परेशानी को दूर कर देंगे। नीम अपने औषधि गुणों के लिए मशहूर है। नीम की पत्तियों के सेवन से आप कई तरह की समस्याओं से राहत पा सकते हैं। अगर आप मतली और उल्टी आने जैसा महसूस कर रहे हैं तो नीम की पत्तियाँ चबा सकते हैं, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। साथ ही नीम की पत्तियों की मदद से आप शरीर की सूजन को कम कर सकते हैं। कच्चे लहसुन का स्वाद इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे फेफड़ों में सूजन, संक्रमण या घाव नहीं बनने देता है। जो औरतें ज्यादा टेंशन लेती है उनका खून गाढ़ा हो जाता है और उनके खून के थक्के बनने लग जाते हैं। यही कारण है कि हार्ट अटैक का खतरा रहता है। तेजी से गिर रहे हैं बाल तो किन बातों का रखें ख्याल? अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो डाइट पर ध्यान दें। रोजाना एक छोटी कटोरी स्प्राउट्स खाएं। स्प्राउट्स में अमीनो एसिड होता है जो आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।
डायबिटीज के मरीजों के लिए काला नमक और हींग फायदेमंद हो सकते हैं। इन दोनों चीजों को गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। दही चेहरे के लिए एक अच्छा और प्राकृतिक उपाय है। इसमें प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं जो त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दही को नियमित लगाने से त्वचा में चमक बनी रहती है। खून साफ ना होने की वजह से समय समय पर फोड़े हो जाते हैं, ऐसे में नीम की पत्तियों को पीसकर प्रभावित जगह पर लगाने से फायदा होगा। साथ ही इसके पानी से चेहरा साफ करने से मुहासे नहीं निकलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान रहें और आपकी उम्र भी कम लगे तो इसके लिए हल्दी के पानी का सेवन करें, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला तत्व फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है, इसलिए इसका सेवन नियमित रूप से करें। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम को अपनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।